कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड एट योर होम। ओके बच्चों, गर्मी ज्यादा हो गई है बच्चों, अपना ध्यान रखना और घर पे थोड़ा मन लगा के पढ़ना, क्योंकि एक स्टूडेंट जब तक सक्सेस नहीं होता, जब तक कि उसके पास स्टडी का वेपन नहीं होता, उसका हथियार नहीं होता, क्योंकि स्टडी एक गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। और बेटे देखो, अब अपना फर्स्ट सेमेस्टर का अपना जो भी है लेसन, वो कंप्लीट हो चुके हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, उसमें हमारी पोएम हो चुकी है और अपने लेसन कंप्लीट हो गए हैं। और स्पेशली उसमें जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, वो नेल्सन मंडेला, तो प्लीज उसको प्रॉपर तैयार कर लेना। अब बीच बीच में मैं सोची दूसरी बुक स्टार्ट करने से पहले ग्रामर के दो टॉपिक कर लेते हैं बच्चों। तो उसमें से पहला टॉपिक है जो आपने नाइन्थ में या पहले भी बहुत बार क्लास में कर चुका है, और छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दैट इज द टॉपिक ऑफ टूडेज स्टडी, आर्टिकल। आज हम स्टडी करेंगे बच्चों आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए एंड द, दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ द आर्टिकल, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिकल। ये आर्टिकल की बेटा दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो बेटे, डेफिनेट ये कहते कोई चीज डेफिनेट है, तो डेफिनेट में आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, और इनडेफिनेट में आपका क्या आ जाएगा, ए और एन आ जाएगा। अब हम इंडिविजुअल इनको डिस्कस करेंगे। टूडेज वी विल डिस्कस फर्स्टली इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ए और एन। ये आपके बेटे ग्रामर की जो मानक हमने लगवा रखी ना, उसकी डिटरमिनर का एक पार्ट है, तो जो उसमें आर्टिकल दिया हुआ उसमें मिलेगा आपको, आर्टिकल डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो डिटरमिनर का पार्ट है आपका। उसमें क्या है कि ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेटे जो कॉमन चीजें होती है ना, वहां पर एक चीज एक ही लगती है उसमें, या तो ए लगेगा या एन लगेगा, जो एक चीज होगी कॉमन चीजों के लिए। अब डिफरेंस क्या है कि ए लगेगा या एन लगेगा, तो बेटे ये होगा डिफरेंस आपकी साउंड पे, जहां आपको साउंड आएगी। अब एन का प्रयोग कहाँ आएगा, एन का प्रयोग आपके बेटे वोवल साउंड, यू आर इजिली नो, ए ई आई ओ यू, दीज आर द वोवल साउंड। जब भी आपको वोवल की साउंड प्रोड्यूस होगी, या एच साइलेंट, किसकी साउंड बेटा, एच साइलेंट की आवाज प्रोड्यूस होगी, तब आप किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग किया जाएगा। और ए का प्रयोग जब आपको कंसोनेंट दिए जाएंगे, तो आप क्या लगाओगे, एन का प्रयोग, नहीं ए सॉरी, ए का प्रयोग किया जाता है। कंसोनेंट आपके क्या बचे, इन पांच को छोड़ के जो बचे, जैसे बी डी, दीज आर द कंसोनेंट, इज इट क्लियर बेटे? तो ध्यान रखना कि जहां वोवल की साउंड आए, वोवल की साउंड जो आपके हिंदी में, ध्यान रखना बेटे जो 11 स्वर होते हैं ना, वो आवाज, जैसे ए आ ई री आई, ये सारे जो है वोवल, इन पांचों में वो जो 11 स्वर है हिंदी के, वो पांचों आवाज जो चीज साउंड है वो इसमें कन्वर्ट है, और या फिर एच साइलेंट करे तो वहां पे एन का प्रयोग करोगे। और ए का प्रयोग कॉमन चीजों के लिए किया जाए, जो एक ही चीज के बारे में बताते, या फिर कंसोनेंट साउंड होगी तो ए का प्रयोग करोगे। बी पार्ट इसका अब हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है द, कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, द का प्रयोग किया जाता है आपकी विशेष चीज के लिए, जो स्पेसिफिक चीज होती है, जो स्पेसिफिक चीज होती है ना बेटा, जो विशेष चीज होती है, या यूनिक चीज कह लीजिए, यूनिक चीज के लिए आप हमेशा द का प्रयोग हमेशा करोगे, द का प्रयोग। और द का प्रयोग कहाँ होता है आपके, जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, नदियों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। कुछ और भी आपके एग्जाम्पल आपकी मानक की बुक में से दिए गए हैं, उनको रीड आउट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो द का प्रयोग और कहाँ हो जाएगा, जो विशेष जाति को शो करे, जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो द डॉग, तो जो विशेष जाति को शो करे वहां पे भी द का प्रयोग किया जाता है। और द, एक और बात बताना चाहती हूँ बेटा, कि द का यूज हमेशा, जैसे हम ये लिख दिया, मैंने लिख दिया पुअर, तो पुअर का मतलब गरीबी, लेकिन अगर मैं ये लिखती हूँ द पुअर, इसका मतलब ये द जब लगाते हैं तो द पुअर का मतलब पुअर पीपल, कि लोगों के लिए वो यूज हुआ है, कि पुअर पीपल के लिए यूज हुआ है। और आप जो है आपकी बुक में ये चीजें दे रखी हैं।
आप, मैं डीप में इसलिए नहीं करवा पा रही हूँ, मतलब इसलिए कि क्योंकि तुम पहले डिस्कस कर चुके हो, और इसमें बस हम एक एक्सरसाइज के तौर पे अगली वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें क्योंकि बेटे 10th क्लास में ये तो आते हैं, इसमें से एक सेंटेंस आता है, लेकिन मेन जो बैकग्राउंड में आता है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन 10th क्लास। तो सो बच्चों, आज के लिए इतना ही कि आर्टिकल में आप ए और एन के बारे में और द के बारे में प्रॉपरली डीप इन स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में। बस एक छोटा सा एक डेमो था जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना ओमिशन ऑफ आर्टिकल। टेक केयर यू, थैंक यू वेरी मच।